द डोमेन फॉर्मेशन इज नेसेसरी फॉर थ्री मटेरियल लिखे डाया पैरा पैरो और उसके बाद ऑल ऑफ अबव किसके लिए बोलो बोलो जल्दी से फेरोमैग्नेटिज्म फेरोमैग्नेटिक मटेरियल अभी लास्ट क्लास में भी ये बताया था हमने डोमेन थ्योरी ड्यू टू द एक्सपेंशन ऑफ बाउंड्री ड्यू टू द रोटेशन ऑफ डोमेन्स और ईच डोमेन हैव ऑलमोस्ट 10 टू पावर 17 टू 10 टू पावर 21 मॉलिक्यूल्स और एटम्स इनफाइनाइट बताया था ना। खैर नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में तो फेरोमैग्नेटिक हो गया ठीक है। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन जो है हमारा सेकंड अ बार मैग्नेट कोई रीड करेगा अपनी फाइल पर रीड करो जरा तुम लोगों से भी रीड करा ले करो। देखो इसमें एक बार मैग्नेट है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसको क्या कह रहे हैं किस पार्ट में अ बार मैग्नेट इज कट इनटू टू इक्वल हाफ बाय अ प्लेन पैरेलल टू द मैग्नेटिक एक्सिस। यहां देखो मैग्नेटिक एक्सिस कौन सी होती है बार मैग्नेट की ये ठीक है इसके अलावा ऐसे कट कर दिया गया इसको तो अब ये कह रहे हैं दो पीस अलग अलग बन गए इसमें कौन सी क्वांटिटी अनचेंज रहेगी ये बतानी तुम्हें जब इस तरीके कट कर दिया। आप देखो जरा पहला फर्स्ट है पोल स्ट्रेंथ दूसरा है मैग्नेटिक मोमेंट तीसरा है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन और फोर्थ है नन ऑफ दीज। तो तुम लोगों के अकॉर्डिंग क्या आंसर है पोल स्ट्रेंथ। मोबाइल उल्टा कर करके फिर बताओ और सी कैसे है वो बताओ कैसे तुम्हें डिसाइड किया इन फोर क्वांटिटीज में से सी होगा। अच्छा देखो आंसर जो अगर हमने बताया बिल्कुल एग्जैक्टली करेक्ट है लेकिन वो एक अलग बात है इनको ये नहीं पता है कैसे आया अगर एक्सप्लेनेशन में आ गया तो गलत हो जाएगा। पोल स्ट्रेंथ क्यों नहीं होगी ये हाफ ऐसे कट किया गया है तो मैग्नेट की लेंथ चेंज ही नहीं हुई तो डाइपोल मोमेंट एम इंटू टू एल होता है तो अब भी वही रहेगा तो पोल स्ट्रेंथ भी वही रहेगी। जब डाइपोल मोमेंट नहीं बदला तो पोल मोमेंट कैसे बदल जाएगा तो पोल स्ट्रेंथ चेंज नहीं होगी। अब दूसरा रीजन बता रहा है मैग्नेटिक मोमेंट तो मैग्नेटिक मोमेंट लेंथ अब भी वही है पोल स्ट्रेंथ वही है तो मैग्नेटिक मोमेंट एम इंटू मैग्नेटिक लेंथ ही तो होता है ये भी नहीं बदला। तीसरा टर्म है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन अगर तुम लोग को याद हो तो एक टर्म इसमें होता है ससेप्टिबिलिटी तो इसका फॉर्मूला होता है आई अपॉन एच वेयर एच इज अ मैग्नेटाइजिंग फील्ड आई इज द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। तो ससेप्टिबिलिटी किसकी प्रॉपर्टी है नॉर्मली मटेरियल की डायमैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक या फेरोमैग्नेटिक तो मटेरियल भी नहीं बदला एक ही मैग्नेट को तो कट किया ऐसा तो है नहीं डाया को पैरा बना दिया पैरा को फेरो बना दिया तो ना तो ये मटेरियल बदला है मैग्नेटाइजिंग फील्ड एच जो भी अप्लाई किया होगा तो आई जो है वो अनचेंज रहेगी क्योंकि मैग्नेटाइजिंग फील्ड भी वही है जिसमें ये रखी गई है या जिसने इसको मैग्नेटाइज किया है और मटेरियल चेंज नहीं हुआ तो ससेप्टिबिलिटी वही तो आई का मतलब क्या हुआ चाई इंटू एच तो ना चाई बदला ना एच बदला तो अनचेंज रहेगी। खैर अब अगर नेक्स्ट वाला क्वेश्चन रीड किया जाए क्वेश्चन नंबर थर्ड तो थर्ड क्वेश्चन जो है वो तुम लोग इजिली बता दोगे शायद ऐसा हमें लगता है अब कितना सही है ये बाद में पता चलेगा। क्यूरी टेम्परेचर इफ द टेम्परेचर एवर बिच अ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल बिकम पैरामैग्नेटिक अ पैरामैग्नेटिक मटेरियल बिकम डायमैग्नेटिक अ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल बिकम्स डायमैग्नेटिक अ पैरामैग्नेटिक मटेरियल बिकम्स फेरोमैग्नेटिक कौन सा सही है नहीं तुम रहने दो किसी और को बताने दो इसका नहीं नहीं किसी और को बताने दो ये भी शायद अभी दो तीन दिन पहले ही हमने डिस्कस किया था एक क्वेश्चन आया था उसमें हमने क्यूरी लॉ को डिस्कस किया था
जो आपने वीडियो बनाई थी उसमें पहली बात है, अगर यहाँ पढ़ा रहे होंगे तो वो फ्री में पढ़ा ही रहे होंगे कुछ क्यूरी टेम्परेचर, ये जो भी हमने लिखा था चाई इक्वल्स टू आई अपॉन एच, यहीं पे ही एक क्यूरी लॉ भी था हमारा, और क्यूरी लॉ में बहुत क्लियरली लिखा होता है एफ बी इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल एंड व्हेन इट इज अबव द क्यूरी टेम्परेचर द फेरोमैग्नेटिक मटेरियल कन्वर्टेड इनटू द पैरामैग्नेटिक मटेरियल। इसका मतलब जब हम क्यूरी टेम्परेचर के ऊपर फेरोमैग्नेटिक का टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो वो कन्वर्ट होके पैरा हो जाता है। तो कौन सा है इसमें, अ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल बिकम पैरामैग्नेटिक ए, तो थर्ड का जो होगा वो ए होगा। अच्छा नेक्स्ट वाला बता दो, फोर्थ द ससेप्टिबिलिटी ऑफ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल इज चाई एट 27 डिग्री सेंटीग्रेड एट व्हाट टेम्परेचर विल इट्स ससेप्टिबिलिटी विद 0.5 चाई। एक किसी टेम्परेचर पे 27 पे चाई है, दूसरे टेम्परेचर पे 0.5 चाई हो गई है, वो टेम्परेचर बताना है। मोबाइल में फर्ची करते रहो और करो क्या, कुछ साल थोड़ा करना नहीं पड़ेगा। और इसको देखने से याद आया क्वेश्चन जल्दी में हमने शायद करवाया था किसी सैंपल में कहीं आया था। यहां देखो चाई का एक फॉर्मूला था ये, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर, ऐसा देखो कहीं लिखा है हमने। और बाद में यही हो जाता है चाई इक्वल टू सी अपॉन टी वेयर सी इज द क्यूरी कांस्टेंट, तो चाई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, और टेम्परेचर भी कौन सा एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट का मतलब मस्ट बी इन केल्विन। तो चाई पहले क्या दिया हुआ है, चाई दिया है, दूसरा 0.5 चाई, तो चाई 1 की जगह पर हम चाई ले लेते हैं और दूसरी जगह पर 0.5 चाई, तो इनवर्स है, तो बाद वाला टेम्परेचर T2 और पहले वाला T1, तो चाई तो कैंसिल हो गया। T2 हमें कैलकुलेट करना है, T2 इक्वल टू क्या होना चाहिए, T2 अपने प्लेस पे है, T1 अपॉन 0.5, T1 की वैल्यू यहाँ पर 27 दे रखी थी, 27 डिग्री सेंटीग्रेड, और यहाँ टेम्परेचर किसमें होना चाहिए एब्सोल्यूट में, एब्सोल्यूट का मतलब 273 27 डिवाइडेड बाई 0.5, तो इसको ये कितना हुआ 300 डिवाइडेड बाई 0.5, एक जीरो और यहां पर ले लेते हैं, तो ये 600 केल्विन में हुआ, बट जो हमारे पास ऑप्शन है वो डिग्री सेंटीग्रेड में है, तो इसको डिग्री सेंटीग्रेड में चेंज करो, मतलब T2 ये, तो क्या करना होगा 600 माइनस 273 कितना बचेगा ये 327 डिग्री सेंटीग्रेड, तो ये अगर ऑप्शन है तो ये वाला होगा, तो ये बी इसका सही हुआ। तो मोबाइल से देख के ये नहीं मिलेगा, इसलिए पढ़ना पड़ेगा, तुक्का नहीं चलेगा वहां, क्योंकि जरूरी नहीं है क्वेश्चन इसमें एमसीक्यू में है, उसमें न्यूमेरिकल में हो सकता है, दो नंबर में जरूरी थोड़ा ना बाद में तुम्हें एमसीक्यू मिले, भाई ये वैल्यू दे दी अब सॉल्व करो। समझ में आ गया सबके, नहीं तो ये ध्यान रखना जब भी ये लॉ यूज कर रहे हैं तो टेम्परेचर मस्ट बी इन एब्सोल्यूट मींस इन केल्विन।